ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। हम सब धर्मों के साथ, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म, इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत है। वी आर ओपन टू ऑल रिलीजन्स, ऑल प्रैक्टिसेस, इवन द अथॉरिटीज ऑफ द हिंदू रिलीजन, द बिगेस्ट अथॉरिटीज ऑफ द हिंदू रिलीजन हैव मेड देयर व्यू पब्लिक अबाउट व्हाट दे थिंक अबाउट द 22nd जनवरी फंक्शन, दैट इट इज ए पॉलिटिकल फंक्शन, राइट? सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू गो टू ए पॉलिटिकल फंक्शन व्हिच इज डिजाइंड अराउंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिजाइंड अराउंड द आरएसएस। वी मेड इट क्लियर दैट हूएवर वुड लाइक टू विजिट द राम टेम्पल अमंग आवर पार्टनर्स, अमंग आवर पार्टी, इज मोर देन वेलकम टू डू इट। इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू विजिट ऑन द 22nd एंड से दैट यू नो दिस इज ए प्राइम मिनिस्टर्स फंक्शन, दिस इज ए आरएसएस फंक्शन एंड we are going to go, it becomes it's not possible. राहुल जी, क्या 22 तारीख के बाद आप जाएंगे राम मंदिर में दर्शन के लिए? जो तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस आर प्रिंसिपल ओपोनेंट्स हैव कैप्चर्ड अ फंक्शन एंड टर्न्ड इट इनटू अ इलेक्शन फंक्शन। आपने जो सवालों का जवाब दिया, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप जब परेशान होते हैं तो आप कैलाश मानसरोवर यात्रा भी गए थे, जहाज सिंकल से नीचे आए, तेल मालिश आप अपने को शिवभक्त भी करते हैं और शिवभक्ति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सियासत में जब बीजेपी और प्रधानमंत्री तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार हिंदू विरोधी है, उसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं, जब कोई मुझे कुछ कहता है मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं, मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत है। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है, तो यह बात है। बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया 90 अफसरों का, मैंने उदाहरण दिया, और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को
जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाते नहीं है। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी, बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा का पूरा धन पकड़ाने का है। तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखें।